ये जो कलेक्शन है दिस कलेक्शन इज़ माई स्प्रिंग समर 2018 कलेक्शन एंड इट विल बी हिटिंग द स्टोर्स नेक्स्ट मंथ. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल प्रिव्यू एंड अमायरा ऑफ कोर्स इज डूइंग द आई मीन शी इज़ रियली डूइंग जस्टिस टू दिस लवली आउटफिट एंड बिकॉज शी इज सो लवली इट्स लुकिंग इवन बेटर एंड दिस कलेक्शन इज कॉल्ड फ्लेयर. इट्स ट्रिब्यूट टू द फ्लोरल यू नो एवरीथिंग फ्लोरल एंड इट्स अबाउट ब्लूम्स एंड फ्लावर्स एंड everything pretty and it has got confectionery colors and pretty pastels and it is easy breezy perfect for summers which we have 9 months in a year in this country. I love the pastel color and I really have always loved Shruti's clothes. I think when like just after Ishaq released only you dressed me one. Yeah. So like since then I've always been following her stuff and she knows I love her clothes. And last year you did it in town, na? Yes, in town. So last year was town and this year it's completely different. It's so cute. I loved it. I still love this. I think I'm taking it home. I'm not giving it back. All right. It's super. Aage in future kis tarah ke collection आगे भी नई नई चीज़ें देखते रहेंगे. अभी तो एक चीज़ एक टाइम एंड अभी तो ये फ्लोरल कलेक्शन चलता रहेगा. आई थिंक एवरी यू नो ऑल वेमेन लव फ्लावर्स फ्लोर एंड ये चीज़ें टाइमलेस है, कभी आउटडेटेड होती नहीं है. तो इस पर तो काफ़ी वर्क चलते ही रहेगा बिकॉज ये इस वेदर के लिए बहुत सही है. बट अभी आगे भी मार्च में मेरा शो रहेगा और कल मैं पेरिस जा रही हूँ तो पेरिस में मेरा शो है. अब देखते हैं कैसा चलता है. No, I wish, yeah. She's not taking me. She's the next year. Pakka. Yes. I'm wearing my ganjis and my shorts. It's summer, you know it. It's like what? It's going to get to like 43, 45 degrees. Thank you so much. We're breaking out the shorts and we're going to be very happy wearing them. The summer collection में now I'll be showcasing a small line. It's simple, easy, breezy. और अभी एक showcasing होगी और कपड़े तो खैर अलग अलग बनते ही जाएंगे और simple कपड़े ही summers के लिए अच्छे रहते हैं. Easy, breezy, जिसमें आप breathe कर सको. Natural textiles, because I am a big advocate of Indian textiles. So I have always been working with that. So I feel in our climate that works the best. Shruti ji, I wish you all the very best of luck. Please keep sending me more clothes. Yes. So now I'm working on Leena Yadav's next and we'll talk about it when we're like getting close to it. But yeah, currently that's happening. Thank you. मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा उनके न्यू कलेक्शन पे. वो हमेशा एक इनोवेटिव अलग टाइप का उनका डिज़ाइनिंग रहता है और मैं काफ़ी सालों से उनको जानता हूँ और मेरे ख्याल से अपने आप में उनका जो एक स्टाइल है, उनका जो पैटर्न है कपड़ों का, ओवरऑल कट का, इतनी फाइन जो उसके डिटेलिंग्स होती है, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है. एंड माई विशेज टू नीति श्रुति एंड द होल टीम ऑफ हर एंड बेस्ट विशेज टू हर. कोई ऐसा है जिसमें मुझे लगेगा कि यूज़ कर सकता हो तो डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो हमारी फ्रेंड है, फैमिली है. मैं उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूँ काफ़ी सालों से, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली यूज़ करूँगा.
मेरी फिल्म में मैंने अभी स्क्रिप्टिंग का काम रखा है. आई एम जस्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट राइट नाउ. आई वॉज बीन ट्रैवलिंग अ लॉट टू अब्रॉड. इंदू सरकार को लेके मैं काफ़ी गया. फिर मैंने मुंबई मिस बनाई एक शॉर्ट फिल्म, उसको लेके मैं काफ़ी ट्रैवल किया हूँ. तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि अभी स्क्रिप्टिंग का काम ये साल शुरू करूँगा मैं. तो मैं काफ़ी ट्रैवल किया. मैं रशिया गया, बर्लिन गया, कोरिया गया, अलग अलग देशों में गया, नॉर्वे गया. तो ये साल में पूरा प्लान करके आपको जल्दी बता दूंगा कि मेरी स्क्रिप्ट क्या है. फिल्में बनाऊंगा. अच्छा लगता है फिल्म बनाना, अलग अलग टाइप पे इशू बनाना. इंदू सरकार हैज़ बीन अ ग्रेट रिसेप्शन बाय द पीपल. एवरीबडी इज़ अप्रिशिएट. कीर्ति कुलारी, नील नितिन मुकेश को सराहा, क्रिटिकल अक्लेम हुई, पिक्चर अच्छी सराही लोगों ने. तो छोटे बजट की फिल्म थी और नॉन स्टार कास्ट फिल्म थी. लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया. मैं खुश हूँ. हालांकि कॉन्ट्रोवर्सी बहुत हुई, बहुत लोगों ने उस पर उत्पात मचाया, बहुत लोगों ने उस पर जाके काफ़ी परेशान की. बट लेकिन ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं आई एम अ फाइटर, हमेशा लड़ता रहा. तो ये भी एक हिस्सा था कि इस तरह की चीज़ें भी होती है. देखिए अभी मेरे ख्याल से मैंने देखिए मैंने पहले भी इस बात की निंदा की थी कि दीपिका को लेकर, बंसाली जी को लेकर इस तरह की बातें की गई थी कि भाई जिस तरह से अब शब्द के उपयोग किए गए थे वो भी गलत है. दीज थिंग्स कैन नॉट बी टेकन एंड दे शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम मेकिंग सच कमेंट्स. और मैं यही चाहूँगा, अभी सेंसर ने पिक्चर पास की है तो मेरे यही विनती है और मैं कहूँगा कि पिक्चर अच्छी तरह से उसको रिलीज़ हो जाए. थैंक यू. सबसे पहले यू नो ऑफ कोर्स नया साल है, नया कलेक्शन है एंड यू नो इट्स वॉशरूम जाना है इसलिए. नया साल है, नया कलेक्शन है एंड यू नो इट इज़ फैबुलस कलेक्शन. देर इज लॉट ऑफ सटल ब्लिंग, देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो फ्लोरल्स, देर इज़ अ लॉट ऑफ पेस्टल्स. बहुत ही अच्छा, बहुत ही कोई भी पहन सकता है. एनी वन कैन कैरी इट विथ क्लास काइंड ऑफ अ कलेक्शन. तो मैं सबसे पहले यही विश करूँगी कि ये कलेक्शन यू नो सुपर सक्सेसफुल हो. सो या माई बेस्ट विशेज फॉर दिस न्यू कलेक्शन. Yes, of course. Yes, this is of course you know Shruti's collection, one of Shruti's latest collections. And what I love about this outfit is, you know, you can wear it, you know, in different ways and different events, different places. It has a bit of bling, but it's in a very subtle way, and I love how it looks on me. And yeah, I absolutely love it. समर है तो ऑफकोर्स नॉट जस्ट मी, एवरी वन लव्स टू बी कम्फर्टेबल क्योंकि गर्मियाँ हैं ऑफकोर्स एंड बॉम्बे इज एक्सट्रीमली ह्यूमिड. आई पर्सनली लव बींग इन मलमल्स एंड कॉटन्स एंड यू नो खादीज एंड फैब्रिक्स विच कीप्स यू कूल येट यू नो फैशनेबल. सो येस ऑफकोर्स दीज आर द फैब्रिक्स दैट यू विल सी इन द कलेक्शन ऑल्सो एंड ऑन मी ऑल्सो. मैं धमाकेदार छोटा मोटा कुछ ना कुछ इधर उधर तक करती रहती हूँ. करंटली आई एम शूटिंग फॉर यू नो वेब सीरीज़ विच इज़ कॉल्ड प्यार का पंच. इट कम्स ऑन अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट क्योंकि वेब में बहुत फ्रीडम मिलता है जो आप चाहते हैं वो करने का एंड स्मॉल एंड आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल. सो आई थिंक एज ऑफ नाउ आई एम एन्जॉइंग दैट. देर आर फ्यू थिंग्स बट इफ दे मटीरियलाइज आई अनाउंस देम देन. ज़्यादा आपका पहला वेब सीरीज क्या ये रखता है कि टीवी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि टीवी शोज़ बहुत ही डिफ़िकल्टी के बाद बनते हैं. लाइक एक इट टेक्स
6 months to make a TV show, क्योंकि concept होता है, production house उसको pitch करता है, channel को approve करता है, फिर वो बनता है, फिर it takes a lot of money and time, and उसको फिर TRP के चक्कर में फंस जाता है, अगर आई तो ठीक है, चला नहीं तो नहीं. वेब पे फिलहाल बनाने की बहुत आसानी है, कंटेंट का काफ़ी फ्रीडम है, एक्टर्स के लिए भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि अब जो मैं चाहती हूँ करना, और जब मैं ही नहीं जितने वेब सीरीज़ चल रहे हैं आप वो सब देखेंगे, देर प्रीटी बोल्ड, देर प्रीटी डिफरेंट, सो या देर इज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन वेब. तो एज ऑफ नाउ दैट इज़ ईजी, बट यस टी वी इज़ ब्रेड एंड बटर. थैंक यू सो मच. उनकी जो इस बार की कलेक्शन है कॉल्ड स्प्रिंग समर फ्लावर कलेक्शन, विच मीन्स फ्लावर इन फ्रेंच, इज रियली ब्यूटिफुल. आप देख सकते हैं मैंने जो पहना हुआ है वो श्रुति संचेती है, और जैसे मैंने वॉक इन किया क्राउड में एवरीबडी स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग, सो इट टेल्स अ लॉट दैट आपने जो भी पहना आपको नॉट सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है और उसके साथ में आपके लिए ही बना है. सो बहुत ही वेरेबल गारमेंट है, बहुत ही कंफर्टेबल गारमेंट है, सिल्क है, यू नो इट लुक्स वेरी क्लासी, इट लुक्स रिच, इट लुक्स वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो. सो आई थिंक आई विल विश हर ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप दैट शी मेक्स मोर एंड मोर क्लोथ्स लाइक दिस. It started with a bang for me, because I am doing lots of shows. There's hardly 2 or 3 days free for me, but I hope that instead of shows also I run a fitness studio, right? So वो fitness के लिए भी मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए हैं, मैं काफ़ी लोगों की लाइफ स्टाइल भी चेंज करूँ, उनको फिट करूँ, उनका यू नो मेंटली मेक देम हैप्पी, फिजिकली मेक देम हैप्पी. सो वो मेरे माइंड में है कि सिर्फ मॉडलिंग ही ना चले, मॉडलिंग के साथ फिटनेस ट्रेनिंग भी चले. थैंक यू. ये अभी हो रहा है, साथ साथ चल रहा है, और 2018 प्रॉमिस इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग. एक्टिंग में मैं कुछ नहीं बोल सकती, अगर करियर मुझे वहाँ पे लेके जाएगा तो आई वुडंट माइंड, बट आई एम वेरी हैप्पी विद मॉडलिंग एंड फिटनेस राइट नाउ. थैंक यू.